हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे, मतलब वर्गमूल। कैसे निकालते हैं वर्गमूल? कुछ सेकंड्स में ही मैं आपको बताऊंगी कि आप 5 से 10 सेकंड में ही, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, हम उसका वर्गमूल स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हमें 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। वैसे जनरली हमें याद होते ही हैं, अगर याद नहीं है तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। बस आप केवल इतने स्क्वायर याद कर लीजिए, आप आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, हम एक एक करके सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे कि आपकी उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। आप अगर पुराने पेपर्स को उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 144 की। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है कि स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, उनको ऐसे लाइन से या किसी तरीके से दो लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे, अलग कर लीजिए उनको। फिर इन लास्ट की 2 डिजिट में जो हमारी लास्ट वाली डिजिट है, मतलब जो 4 है हमारा, इसको हम देखेंगे कि इस नंबर के यहाँ पे लास्ट में 4 है और किस किस के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। एक आप देखिए 2 के लास्ट में 4 आ रहा है और एक यहाँ पे 8 के लास्ट में 4 आ रहा है। 8 का भी कितना होता है 64, तो लास्ट में कितना आ रहा है 4। तो हमारे पास 2 नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है, एक 2 के और एक 8 के। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अभी बचा हुआ नंबर था 1, अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किसी नंबर के स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब जैसे 1 है तो 1 का कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, तो 2 का 4 ज्यादा हो जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे 1 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब मेन बात आ गई, अब हमारे पास 2 नंबर आ गए लेकिन ये स्क्वायर रूट तो किसी एक ही नंबर का है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है? उसके लिए हम 15 का स्क्वायर निकाल देंगे। जैसे कोई भी नंबर हो, आप 15 का स्क्वायर रूट, 15 जैसे अगर 1 to 18 है तो 15 का, अगर 20 वाली लाइन में तो 25 का, 30 वाली लाइन में तो 35 का, इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है तो इसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक अभी केवल 5 की बता दे रही हूँ, आगे मैं आपको और भी नंबर्स की बताऊंगी। चलिए, जैसे 5 का मैं निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 15 है इसमें 5 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर क्या करिए, जो अब ये बचा 1 के बाद क्या आता है 2, तो उस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 2, तो 15 का कितना होगा 225। ऐसे ही अगर हमें 35 का निकालना है मान लीजिए, तो 35 में 5 का कितना हो गया 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 और 3 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 1 to 25। अब चलिए, 15 का हमने देखा है यहाँ पे कितना आ गया 225। अब क्या करना है हमें, ये जो 15 का स्क्वायर है ये इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? इस नंबर से छोटा है, छोटा है तो मतलब छोटे डिजिट, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा, ये 12 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 12 का स्क्वायर होगा 144, 144 का स्क्वायर रूट 12। ऐसे ही हमने यहाँ पे 5 नंबर लिया, हम एक एक करके सबका देख लेते हैं। अब चलिए, हमने ले लिया 625, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 625। जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि 5 सिर्फ एक नंबर में के लास्ट में ही आता है, तो 5 × 25, लास्ट के 2 डिजिट अलग ही है, 5 किसके लास्ट में आ रहा है 5 के लास्ट में आ रहा है। अब बात करते हैं 6 की। अब हमने अभी
अभी आपको बताया था ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये किसी के स्क्वायर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी या बराबर हो सकती है। तो देखिए, दो का कितना होता है चार, तीन का कितना होता है नौ, नौ ज्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे, दो का लेंगे यानी कि 25। तो 25 का कितना हो गया 625। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है 1681। स्क्वायर की बात करना है तो लास्ट की टू डिजिट 1, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 1। अब यहाँ पे देखिए 1 किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 1 के लास्ट में आता है और एक 1 9 के लास्ट में आता है। 9 का कितना होता है 81, तो 1 और 9 लिख दिया। अब ये कितना है 16। फिर हम देखेंगे 16 किसके नंबर के बराबर है, किसके नंबर के स्क्वायर के बराबर है या छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो किसका है 4 के लास्ट का है, 4 चक्कू 16, तो कितना आ गया 4। अब हमारे पास यहाँ पे फिर दो नंबर आ गए 41 और 49। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया जब दो नंबर ऐसे आ जाते हैं तो हम डिसाइड करने के लिए 45 का हम निकाल लेंगे इसमें स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का कितना हो गया 25, 4 के बाद कितना आता है 5, 4 5 20, तो कितना आ गया 20 25। अब 20 25 से 16 81 छोटा है, तो मतलब ये छोटे नंबर का होगा यानी कि 41 का स्क्वायर होगा 1681। तो आपने देखा ये कितनी इजीली निकल आते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप एक लाइन में ही आंसर निकाल देंगे। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं 3969 हमारे पास दिया है 3969, लास्ट के दो नंबर लिए 9, किस किस के लास्ट में आता है, एक तो 3 के लास्ट में आता है 9 और एक 7 के लास्ट में आता है 9। अब 39 देखिए 5 का कितना हुआ 55 25, 6 का 36, 7 का 49 49, ज्यादा हो गया तो हम किसका लेंगे 6 का 36, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था नंबर छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बराबर हो सकता है। अब 63 हमारे पास 63 और 67 आ गया, अब हमें पता करना है कि किसका स्क्वायर रूट है, तो इसके लिए हम 65 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 65 का स्क्वायर मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक दी है, कितना होता है 25 25 और 6 7 42, तो 2425 मतलब, और ये क्या है 3969 मतलब ये छोटा नंबर है, तो किसका होगा 63 का होगा। अब चलिए एक और देख लेते हैं, हमारे पास एक और नंबर है 5625। स्क्वायर की बात करें तो हम लास्ट में की टू डिजिट देखेंगे क्या इतना आ रहा है लास्ट में 5, मैंने आपको बताया 5 का निकालना बहुत इजी होता है क्योंकि 5 एक ही नंबर के लास्ट में आता है 5 के, तो कितना आ गया 55 25। अब आज बात आती है 56 की, 56 किसी के स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर हो सकता है। अब देखिए 49 7 का 8 का कितना होता है 64, तो 64 हमारा ज्यादा हो गया, तो 7 7 49, तो ये किसका हो गया 75 का। ऐसे ही चाहे हमें कितना भी बड़ा नंबर दिया हो हम उसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद वीडियो में हम आपको 2 और 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन बताएंगे बहुत इजी मेथड से, हम आपको स्क्वायर याद नहीं करने पड़ेंगे, हम आपको स्क्वायर निकालना बता देंगे, तो उससे आप कितना भी बड़ा नंबर दिया हो स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस छोटे से पोर्शन से आप 2 से 3 मार्क स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमें कमेंट करें, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपको उसके वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।